द्विवेद को छुपा दिया गया और हल्दी घाटी को परिवर्तित कर दिया गया। नहीं परिवर्तित नहीं, उल्टा कर दिया गया, एब्सोल्युटली इन्वर्टेड। क्योंकि अभी अपन जब फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि भाई इसको मैं विजय क्यों बता रहा हूं, इसको डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा विजय क्यों बताते हैं, इसको श्री नारायण उपाध्याय विजय क्यों बताते हैं, तो हम कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं। हमें पता है हमारा सामना किस तरह के कबाल से होगा। अगर हम तथ्यहीन बात करेंगे तो हमारे अपने लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो नैरेटिव तो ये था सर, जो पुस्तकों में पढ़ाया गया, जिस पर नीरज अत्री ने बहुत सुंदर अपने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, मुगल साम्राज्य। मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुगल साम्राज्य नाम की चिड़िया थी ही नहीं। देर वॉज नो मुगल सल्तनत, देर वॉज नो दिल्ली सल्तनत, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट द मोमेंट औरंगजेब एलियनेटेड द राजपूत्स इन 1669 बाय द एडिक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग वैष्णव टेम्पल्स एंड 1679 एडिक्ट ऑफ जजिया इन 1707 विद द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल सो कॉल्ड मुगल एम्पायर फिनिश्ड। इफ इट वॉज दैट पावरफुल, that amply proves the only reason Mughals were able to rule was the Rajput alliance. And if you look at even at the 1615 ki jo sandhi hui thi Jahangir aur Amar Singh ji ke beech mein, matlab wo sandhi kisi victor aur defeated ke beech mein ho rahi hai, wo fir alag discussion hai, Amar Singh ji par kabhi discuss karenge. To इसको साम्राज्य कहना सबसे बड़ा झूठ है। प्रताप को भगोड़ा कहने वालों को लज्जा से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक समृद्ध राज्य के स्वामी होकर के 1597 में बिल्कुल स्वतंत्र और एक इतना समृद्ध राज्य अमर सिंह जी के लिए छोड़कर गए, जिन्होंने 17 पिच्ड बैटल्स जहांगीर की आर्मी से लड़ी और 17 के 17 बैटल्स जीती अमर सिंह जी। ये है सर कहानी जी। तो अब आ जाए जरा हल्दी घाटी युद्ध पर, उस दिन की घटनाओं का विवरण जो मैंने मेन स्ट्रीम में देखा है वो ये है कि वो युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं में 1:4 का अनुपात था, यानी राणा प्रताप की सेना जो थी 1 थी, तो अकबर की सेना मानसिंह के सेनापतित्व में 4 थी। और राणा प्रताप जो थे वो, ये मैं वो बता रहा हूँ जो पढ़ाया जाता है, और राणा प्रताप जो थे वो गोरिल्ला युद्ध के, छापामार युद्ध के अभ्यस्त थे, और पता नहीं क्यों, किस कारण से, इसका कारण नहीं बताया जाता, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कारण होना चाहिए कि वो खुले में आकर क्यों लड़े। तो वो खुले में आकर लड़े और जब हारने लगे तो वो मैदान छोड़ के चले गए। उनके जो एक सेनापति थे झाला सरदार, उन्होंने उनका मुकुट पहन लिया, तो उनको मुगलों ने समझा कि राणा प्रताप वो है, उनको घेर लिया, वो चेतक उनको लेके चला गया और नदी पार करते हुए उसके बाद फिर जाके उनको सुरक्षित पहुंचा के वो चेतक जो है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद फिर राणा प्रताप भटकते रहे वनों में, और उन्होंने फिर बाद में धीरे धीरे करके छापामारी युद्ध करके और कुछ अपनी अंत में अपनी मृत्यु से पूर्व काफी कुछ साम्राज्य वापस पा लिया। इसमें दिवैर का भी उल्लेख नहीं होता है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमको, सॉरी जो आपका जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है हमारी, अब हम आपसे सुने कि हल्दी घाटी के युद्ध की घटनाएं क्या थी। थोड़ा सा भूमिका बताऊं सर, हिस्ट्री थोड़ी सी, वो भी इस बात को डिसाइड करेगी कि ये सब झूठ है जी। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इन 4 साल में 1573 में अकेले 1573 AD में 4
पीसफुल मिशंस अकबर भेजता है प्रताप के पास। पहला जलाल खान कोरची, उससे प्रताप मिलते ही नहीं है, वो तो वापस चला जाता है। फिर मानसिंह जी खुद आते हैं, वे डूंगरपुर के राव आसकरण को बुरी तरह पराजित करते हुए दक्षिण से आ रहे होते हैं। तब दो जासूस इनके प्रताप के, एक डूडा चुंडावत थे और एक थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है उनका, तो इन्होंने आकर के पहले ही प्रताप को सूचना दे दी कि मानसिंह जी पूरी तरह से उनका जो तुर्क जो शासक है उनके जैसा मानस है, वो कुछ ज्यादा आपको यील्ड करने वाले नहीं है, तो हमें भी उनको कुछ यील्ड नहीं करना है। उदय सागर के पास मीटिंग होती है, वहां पर प्रताप बहाना बनाते हैं कि मैं नहीं, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, वो अमर सिंह जी को भेज देते हैं। तो मानसिंह जी वहां ताना देते हैं, मुझे पता है कि पेट दर्द कैसा होता है, मुझे पेट दर्द की दवाई का भी पता है, अगर प्रताप ने लड़ने की ठान ही ली है तो फिर अब इसका फैसला युद्ध में ही होगा। और जाते वक्त फिर वो उदयपुर में जब प्रताप से मिलते हैं तो प्रताप उनको तीन बातें कहते हैं कि ठीक है तुम संधि करवाना चाहते हो, नंबर वन वो मेवाड़ी में, बताऊं सर, मुंह चौथ नहीं दूला, मतलब मैं टैक्स नहीं दूंगा अकबर को, हूं चाकरी नहीं करूंगा, मैं जाकर के वो उसको जो सजदा करते हैं ना, जिल्ले सुबहानी जिल्ले अल्लाह, सब वो नहीं करूंगा, सजदा दिल्ली जाऊंगा ही नहीं बोलते उसको। वैसे तो इस्लाम में सजदा मना है अल्लाह के अलावा, लेकिन मुगलों के यहाँ जो सजदा किया जाता है उसके सब सजदा ताजीमी है, वो मतलब वो जो है रियासत का सजदा है, वो सजदा उबूदत नहीं है। देखिए आप, देखिए आप, देखिए हर चीज का रास्ता है। और तीसरी शर्त प्रताप रखते हैं, मुंह छोकरी नहीं दूला, मैं चौथ नहीं दूंगा, चाकरी नहीं करूंगा और छोकरी नहीं दूंगा। तो मानसिंह कहता है कि आपने युद्ध की ठान ली है, बोले हाँ ठान ली है, तेरे फूफा को लेता हुआ आना युद्ध के लिए। प्रताप कहके उसको रवाना करते थे क्योंकि भारमल की बेटी से शादी हुई थी ना अकबर की, और ये भगवान, ये उनके भगवान दास का बेटा था, भारमल के बेटे भगवान दास का बेटा था, थे मानसिंह जी। तो मानसिंह जी को ये ताना मार के वो रवाना कर देते हैं। तीसरी जो पीस ओवरचर होता है वो भगवान दास खुद आते हैं, मानसिंह जी के पिताजी, और भगवान दास से प्रताप घृणा करते थे क्योंकि भगवान दास वो व्यक्ति था जो 1568 के साके में अकबर के साथ नपुंसक की तरह खड़ा रहा था जब 40,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई थी, और जगदीश मंदिर और जो बड़े बड़े मंदिर थे, आज भी सर वहां जाए तो रक्त खौल उठता है उन मंदिरों की, मंदिर नीचे जो कंगूरे हैं उसके जो बेस है वो हिंदू और जैन है, और जो उसका टॉप है वो इस्लामिक गुंबद लगा हुआ है उस पर, आज भी चित्तौड़ में है वो जगह, और उसके साक्षी जयपुर के राजपूत के भगवान दास के उसमें खड़े थे। तो प्रताप की घृणा साके के टाइम से थी, फिर भी प्रताप सम्मान रखते हुए उसको रिसीव करते हैं और उसको रवाना कर देते हैं। लास्ट में टोडरमल आता है, और टोडरमल 1573 की अक्टूबर में आता है, उसको भी रवाना कर देते हैं। फिर युद्ध तय हो जाता है।